देखिए, मैं इस वक्त गुलशन इकबाल ब्लॉक 4 में मौजूद हूँ। इंसानी दरिंदगी का एक वाकया पेश आया है। एक शौहर ने अपनी बीवी को कत्ल किया, कत्ल करने के बाद उसकी जो लाश है उसको जला दिया। मैं आपको दिखाऊँ, ये वो किचन है जहाँ पर उसके शौहर, जिसका नाम आशिक है, वो यहाँ पर लाया और उसको जलाया। पहले यहाँ से घसीटते हुए लेकर आया और किचन की जानिब लेकर गया और किचन के अंदर ले जाकर उसको जला दिया। ये किचन है जिसमें उसने जलाया। अगर मैं आपकी फुटेज दिखा वीडियो दिखा सकूँ, ये वो चूल्हा है जिसमें उसने अपनी बीवी को जलाया। यहाँ पे स्मेल महसूस हो रही है, बदबू आ रही है और यहाँ पर खड़ा होना मुश्किल है। तो ये वो घर है जहाँ पर वो रहते थे। आशिक यहाँ पर चौकीदार की ड्यूटी कर रहा था और अपनी 6 बेटियों के साथ यहाँ पर रहता था। 3 जो अपने बच्चे हैं, पलम क्या? राबिया। अच्छा बेटा, आपका क्या नाम है? नादिया। नादिया, मुझे ये बताओ कि अब्बू क्यों बहुत मारते थे? क्या अच्छे नहीं थे अब्बू? बिल्कुल अच्छे नहीं थे, मारते थे। अच्छा, कल क्या हुआ फिर? कल आपको, आप तीनों को बंद कर दिया था? हाँ। अच्छा, कुछ कहना चाहोगी अपने अम्मी के लिए? अम्मी कितनी अच्छी थी? बहुत अच्छी थी, हमें हर चीज़ दिखाई। वो बहुत अच्छी थी, इसके लिए अब्बू कपड़े भी नहीं देते। तो अम्मी अपने कुछ बेच, अम्मी से एक मोबाइल था, उसने कहा था कि मैं ये बेच दूंगा, लेकिन हमने कहा अम्मी हमें ज़रूरत नहीं, कोई बात नहीं, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन बस आप हमारे साथ है। वो अब्बू ने हमें, हमसे हमने हमारी अम्मी को छीन लिया। के बच्चे होंगे, हम पे तो गए नहीं हो, पता नहीं किस किस के बच्चे होंगे, बस इसीलिए हमें मारता था। हमने कहा था कि फिर शादी क्यों की अम्मी से? मारने के लिए किया? कि हाँ मैम, मारने के लिए किए। अच्छा नादिया, मुझे एक बार फिर दोबारा सा वाकया बता दो, और कैसे आपके अब्बू को कत्ल किया और आपकी अम्मी को कत्ल किया, क्यों किया ये थोड़ा मुझे बताना दोबारा, और कैसे आप लोग भाग यहाँ से निकले? वो हम लोग रात को 3 बजे सो रहे थे सब लोग, एक आवाज़ सी आई, हमने आवाज़ सुनी तो अब्बू ने अम्मी के ऊपर थकिया रखा हुआ था। जब हमने शोर मचाने की कोशिश की तो अभी अब्बू ने हमें मारा, हमें बालों से घसीटा, कमरे में बंद कर दिया। और जब वो, तो अल्लाह का शुक्र है कि कमरे का लॉक सही नहीं लगा हुआ था, हमने धक्का दिया तो वो खुल गया। एक गेट पे ताला था, दूसरे ताला भी खुला हुआ था। हम लोग यहाँ से भाग गए, पैदल चलने लगे, तकरीबन 7 बजे हो गए। हम लोगों ने पूछा कि क्या टाइम हो रहे अंकल से, उसने कहा 7 बज रहे हो रहे हैं। तो हम रश्के में बैठे, मामू के यहाँ गए, और मामू, जब हम लोग मामू के यहाँ पहुँचे तो वहाँ से मामू भी साथ आया, देखा कि अम्मी किचन में पड़ी हुई और चली हुई। अच्छा, अम्मी को क्यों अब्बू ने कत्ल किया, कुछ इस बारे बताओ हमें? बस यही मसले थे, बताया ना कि वो नशे करता था, जब पैसे नहीं होते थे तो बस अम्मी को या हमें मारता था बस। अच्छा। और एक दूसरा आदमी मतगल उस्ताद, वो भी उसके साथ मिला हुआ था, कभी हमसे लंबरे मांगता था, कभी मेरी अम्मी को छेड़ने लगता था, लेकिन हम अब्बू से शिकायत करते, अब्बू कुछ भी नहीं बोलता, अब्बू कहता कोई बात नहीं है, ऐसे कहता था। अच्छा, आपकी वालदा का कत्ल कैसे हुआ? इब्तदाई तौर पर आपने जब अंदर देखा या डायरेक्ट भाग गए? हम लोग डायरेक्ट भाग गए, उन्होंने हमें मारा, कम बंद कर दिया ना, पता नहीं फिर उसने एक चादर डाली उसके गले में ना, उसको घसीटा और किचन पे लेके गए, किचन बंद कर दिया। जैसे उसने किचन बंद किया, हमने देखा कि वो किचन में, हम लोग भाग गए यहाँ से। तकिया रखा था आपके वाले? हाँ, तकिया सर पे रखा हुआ था, पहले उसकी सांस निकाल दी पहले, उसके बाद उसे जला दिया। अच्छा, और हमारी ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि हमें इंसाफ दिलाएं। अच्छा, यानी कि आप चाहते हैं कि आपके अब्बू के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? चाहते हैं। मुक्तुल्ला के भाई हैं तो क्या कहेंगे आप? आपके, आपकी बहन ने कभी आपको बताया कि आपका जो है साला आपको तंग करता है, क्या जो तंग करता है या मारता मुड़ता है? नहीं, हमारे को ये नहीं पता था, हमारे बस यही बता रहा था कि भाई इसको समझाओ, ये वो लड़ाई नहीं करा हमारे साथ, ये बस ऐसी खामखा बंदों को नहीं लाए, बंदों को लाते इसको सिर्फ ये समझाओ। हम उसको समझाया था कि बंदे को नहीं लाया करो, ये वो एक बंदे को लाता था, मोहम्मद गुल उस्ताद नाम है उसका, वो उसको लाता था कि आओ मैं तो आपको अपने बेटी देता हूँ। तो वो इसको अपनी बीबी को इसलिए उसने मारा कि मैं अपनी बीबी को मार दूंगा तो अपनी बेटी मैं आपको दे दूंगा। तो उस बुड्ढे को मैंने पकड़ लिया रास्ते में, गिरवान जो मेरा पटा हुआ है, मैंने उसको पकड़ लिया, मैंने उसको पकड़ा, तो उधर मेरे को आदमियों ने पकड़ा, लड़कों ने पकड़ा मेरा, वो भाग गया, वो बंदा मेरे से दूसरा जो था ना वो भाग गया वो मेरे। अच्छा, उसको मैंने नीपा पे पकड़ा था। ठीक है, तो वो निकल गया आपके? निकल गया हाथ से, भाग गया। सही, तो आप कहते हैं कि आपका जो, इनका जो बाप है वो अकेला मुलव्वज़ थी, 2 बंदे मुलव्वज़ हैं जी। 3 जो अपने बच्चे हैं उनको लेकर वो फरार हो गया है। 3 बेटियां थीं जिन्होंने उनके सामने सारा वाकया पेश आया। बेटियों ने को उसने कत्ल करने से पहले अपने एक कमरे में बंद कर दिया था। बेटियां किसी तरीके से वहां से फरार हुई और अपने मामू के घर पहुंची। मामू के घर पहुंचने के बाद औरंगी टाउन से यहां पहुंची और यहां पर जब आके देखा तो उनका जो बाप था वो फरार था, लेकिन उनकी माँ की लाश इस देखचे के अंदर मिली है। पुलिस ने बॉडी को तहवील में ले लिया है और जो फरार होने वाला है उसका बाप है आशिक की तलाश की जा रही है। तो हमें ये बहुत ही अफसोसनाक वाकया है जो गुलशन इकबाल ब्लॉक 4 में पेश आया है।